देखेंगे अच्छा लगता आपकी है। आंखों से आंसू झलक रहा हाँ, है। और कुछ घर वालों की कितनी याद आती है, बहुत याद आती है। क्या कुछ लागत में बन रहा है मूर्तियाँ। मैंने खान स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। 26 जनवरी के साथ साथ विद्यार्थी हो या फिर मूर्तिकार हो, अपनी प्रतिमा बनाने में लगातार लग गए हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही सरस्वती पूजा है, ज्ञान की देवी। जी हाँ, ज्ञान की देवी जो है, उनकी सारी प्रतिमाएं यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार की जा रही है। इस बार पहले के मुकाबले बड़ी बड़ी और काफ़ी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ जो है तैयार की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्तिकार जो है किस तरह से मूर्ति तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। शारदा भवानी की जो यहाँ पर प्रतिमाएँ हैं वो बिल्कुल कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रची जा रही है, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई जा रही है। और इस बार पहले के मुकाबले जो है इस बार भी काफ़ी डिमांड में सारी मूर्तियां हैं। वहीं हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि कितना मेहनत लगता है मूर्तियां बनवाने में, और इस बार पहले के मुकाबले इस बार जो है कितने डिमांड में ये सारी मूर्तियां आई है, वहीं हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माधवी पाल। माधवी पाल, आप कब से ये काम करती हैं? मेरा हस्बैंड डेट करने के बाद से हमें मूर्ति का काम में आया। मूर्ति काम आपके यहाँ पे काफ़ी तादाद में मूर्तियाँ बन रही है, कितने लगभग कितने मूर्तिकार को आप अपने अंडर में रख के काम कर रहे हैं? छः मिस्त्री हैं। छः मूर्तिकार हैं यहाँ पे। एक मूर्ति तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? काफ़ी विशाल विशाल मूर्तियाँ हैं इसमें। इससे तो हम लोग का नहीं होता, जो 3 महीना काम करता है उसका अंदर जो है 3-4 महीना जो काम होता है उसका अंदर ही सब मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति हिसाब से नहीं बनता है उसे। जी, अब बड़े तादाद में बड़े पैमाने पे काम करते हैं। सब लेके मैंने हम लोग का 3 महीना आसपास काम होता है। यानी कि 3 महीना पहले से ही आपकी ये सारी मूर्तियों की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी थी, कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से तैयार होती नजर आ रही है। हाँ, अभी तो जाएगा 25 तारीख को, तो अभी तो कंप्लीट करना ही होगा 25 तारीख। कितने जगहों से इस बार डिमांड आई है आपकी मूर्तियों की? जो पुराना भी है नया भी है, सब रांची के अंदर ही है, बाहर में नहीं है। बाहर में हम नहीं लेते हैं। बाहर से आप नहीं लेते? नहीं, ताकि हम जाने नहीं सकेंगे वो हम नहीं लेंगे। एक दो जगह के नाम बता दें। जरा अभी धुरुआ, जरा चुटिया, इधर रामगढ़ खुटी का और दूर में जा रहा। यानी कि रांची के विभिन्न जगहों से जो है यहाँ पे मूर्तियों की काफ़ी डिमांडें आई, और हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया कितने खूबसूरत तरीके से पूरे मूर्तियों को सजाया गया है। मेरा नाम अमित है, अमित कुमार पाल। कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आए हैं। कब से है आप यहाँ पे? हम यहाँ से 4-5 साल से काम कर रहे हैं, अभी 1.5 महीना काम चल रहा है। कैसा अनुभव रहा है आपका? अनुभव तो अच्छा हो रहा है, बनाना भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। मूर्ति बनाना काम बहुत अच्छा काम है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इंडिया में इतना करोड़ लोग का सुख आनंद देने के लिए हम लोग का ये मेहनत करने के बाद उन लोग को थोड़ा तो आनंद तो मिलता है ना, तो वो सबसे बड़ा बात है कि इतना लोग के आनंद देने के लिए हम लोग भी खुश है। लेकिन ये काम करने का पीछे दुख भी है जी, बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग घर परिवार मम्मी पापा वाई बच्चे लोग को छोड़ के इधर आता है। इधर आने के बाद कोई मम्मी पापा लोग गुजर जाएगा तो हम लोग जा भी नहीं सकता, जा नहीं पा रहा है। अरे काम ऐसा काम है, चाहे जो भी हो जाए कोई हाल में इसको फिनिशिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी देखिए अभी इतना काम है, परसों डिलीवरी है, तो हम अभी आप लोग का टाइम से खाना नहीं होगा, टाइम से ठीक से सोना नहीं होगा, हाँ ये सब दिक्कत आएगा। अभी मौसम का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर बारिश आ जाएगा तो ये सब पानी में ढाकना खोलना इधर तरो उधर तरो बहुत काम है ये सब। हाँ, तो सब कुछ छोड़ के हम ये बताता हूँ कि तभी हमको अच्छा लगता है ये बनाने में, ये काम करने में अच्छा लगता है, बनाने में अच्छा लगता है। आंखों से आंसू झलक रहा है, और दर्द नजर आ रहा है आपकी आंखों में, क्या है? और एक बात है कि ये काम करने के इसलिए उतना अच्छा लग रहा है, ये काम करने के बाद पैसा मिलता है, पैसे से हम लोग घर परिवार संसार चलाते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाई सिखाता है, हाँ मम्मी पापा लोग को मुँह में खाना जुगाड़ करता है, बात यही है। और कुछ घर वालों की कितनी याद आती है? बस बहुत याद आती है। क्या कुछ लागत में बन रहा है मूर्तियाँ? ठीक है, थैंक यू।
जैसा कि आपने मूर्तिकार के मुंह से भी सुना कि इनके पीछे भी कितनी दर्द भरी कहानियां छुपी होती है। और हालांकि माधवी जी ने भी हमें यहां के सारी बातों को बताया कि लगभग जो है 2000 रुपये से शुरू है ये मूर्तियां और लगभग जो है 10,000 के रेट तक कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि बड़े धूमधड़ाके के साथ कॉलेज और स्कूलों में भी सरस्वती पूजा मनाया जाएगा। जीएन भारत से नेहा खान की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।